भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को दरकिनार करते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के बंधक बैंक के कर्मचारी खुले पैसे लेने से मना कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जब नेशन वन की टीम ने इस बारे में बैंक कर्मी से बात करनी चाहिए तो उसने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक तरफ जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ग्राहकों से खुले पैसे लेने के निर्देश दिए हैं, वहीं उत्तर दिनाजपुर जिले के बंधन बैंक रिजर्व बैंक के इस निर्देश को दरकिनार करते हुए लोगों से खुले पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, जिसके चलते बस चालक हो या फिर दुकानदार सभी काफी परेशान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन खुले पैसों का करे तो करे क्या। आलम यह है कि बैंक के इनकार करने पर अब आम जनता भी एक दूसरे से ये खुले पैसे लेने से कतरा रही है। वहीं जब कुछ गांव की महिलाएं बंधन बैंक में खुले पैसे लेकर लोन जमा करने गईं तो बैंक कर्मी ने 10 के सिक्कों के साथ साथ 10, 20 और 50 के नोटों को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद महिलाओं ने बैंक में हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची नेशन वन की टीम ने जब मामले में बैंक कर्मी से पूछताछ की तो पहले तो वो रौब झाड़ते नजर आए, बाद में कैमरे से बचते हुए खुले पैसे लेने की बात कही। जनता की सुविधाओं के लिए खुले बैंक की जब इस तरह जनता को परेशान करेंगे तो फिर क्या कहें। देखना यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को ताक पर रखते हुए बंधन बैंक की यह मनमानी कब तक चलेगी। তোমাদের অসুবিধা না, অনেক সময় তো রিস্কি তো থাকে। উত্তর দিনাজপুর সেপিয়া গুপ্তা কি রিপোর্ট।